देखिए इसके पहले आपने एक वीडियो देखा होगा क्यों सिंपल चीज़ इसमें था और उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखिएगा वीडियो क्या था कि कैसे हम लेटर या अप्लीकेशन लिखते हैं क्या था तो उसमें कुछ खास चीज़ें बताई गई हैं लेकिन इस वीडियो में आपको जो है इस क्लास में आज आपको मिलेगा क्या कि इनफॉर्मल लेटर्स कौन सा देखो इनफॉर्मल का मतलब होता है क्या अनौपचारिक पत्र कैसा पत्र? पत्र एक होता है फॉर्मल लेटर और उसको बोलते हैं औपचारिक पत्र और एक क्या है इनफॉर्मल लेटर है इसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं प्राइवेट लेटर या पर्सनल लेटर कौन सा लेटर प्राइवेट लेटर या पर्सनल लेटर के रूप में इसे जाना जाता है किसको इनफॉर्मल लेटर को किस लेटर में प्राइवेट लेटर या पर्सनल लेटर के रूप में जाना जाता है राइट अब देखिए बात आती है कि जो प्राइवेट या पर्सनल लेटर आप लिखते हो तो किसको लिखते हो यह भी तो जानना जरूरी है तो तीन चीजें जानना जरूरी है कि जो लेटर आप लिखते हो किसको लिखते हो और कैसे लिखते हो और उसमें क्या क्या लिखते हो पहला क्या किसको लिखते हो लेटर दूसरा कैसे लिखते हो और तीसरा उसमें कंटेंट मतलब क्या क्या आप उसमें लिखते हैं तो ये तीनों चीज़ आपको सीखने को मिलेगा और जो है लेकिन आपको करना क्या है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कमेंट जरूर करिए सब्सक्राइब भले मत करिए क्योंकि इससे पता लगता है कि हाँ ऊर्जा हमारी जो है पॉजिटिव वे में है या नहीं है लेकिन आप लोग हैं कि देख लिए जल्दी से ख़त्म ना लाइक ना सब्सक्राइब तो यहाँ पर बात है फादर कौन यानी अगर आप बात कर रहे हैं कि इनफॉर्मल लेटर सर हम किसको लिखें कौन कौन से वो लोग हैं जिनको हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उनमें हमारे कौन पिता माता चाचा चाची भाई बहन पुत्र, पुत्री, मित्र यौंग सगे संबंधियों को जैसे फूफा जी फू फा तो फूफा जी को ही जो है लिखा जाता है ना मौसा है मौसी हैं तो दूर दराज के जो है मतलब जैसे आपकी भाभी हैं भैया और बहना का तो बात हो गया लगन चल रहा है तो उनकी भी बात होनी चाहिए किसकी ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम किसकी देखो बात समझो शब्द भी सीखने की हमें क्या है जरूरत है ना तो ब्राइड माने कौन ब्राइड मीन्स क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए ब्राइड मीन्स क्या होगा कह रहे कमेंट में लिख के बताइए तो ब्राइड का मतलब हो गया क्या दूल्हा सही है अच्छा तो ब्राइड ग्रूम माने क्या होगा ब्राइड माने दुल्हन और ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा बारात खोप करना लेकिन पहचान ना पाना हु इज ब्राइड एंड हु इज ब्राइड ग्रूम खाली डांस से मतलब रखना और जो है बफर में दौड़ दौड़ के स्टाल टू तो स्टाल जाने का मतलब रखना बाकी कौन लड़का कौन लड़की नो no मींस तो यहाँ फादर मदर अंकल आंट और ब्रदर सिस्टर सन डॉटर फ्रेंड और रिलेटिव्स रिलेटिव्स माने सगे संबंधी यानी जो रिश्तेदार हो चाहे दूर के हो चाहे पास के तो ये हमारे क्या हैं इनफॉर्मल लेटर्स कौन से informal. तो इनफॉर्मल लेटर में उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और वन बाय वन आपको समझ में आएगा और इससे बेहतर जो है समझ में आना मुश्किल होगा क्योंकि तरीके आसान बताएंगे राइट तो इनफॉर्मल लेटर यानी इसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र प्राइवेट लेटर और कौन सा पर्सनल लेटर तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को तो जैसा कि देखिए आपने देखा कि इनफॉर्मल लेटर के बारे में ये आपको बताए कि क्या क्या उसमें आता है राइट अभी देखो बात मत करो नहीं तो पनिशमेंट उसका फिर मिल जाएगा बहुत पहले बताए हैं ये वीडियो जो बन रहा है ये आपकी भलाई के लिए बन रहा है और आप अच्छे से सीख पाओ इसके लिए बन रहा है राइट और क्लास में बैठ के अगर आप पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से अगर आप अनुशासनहीनता करोगे तो उसका जो है सजा भी मिलेगा तो इनफॉर्मल लेटर्स में आ, किसको किसको इनफॉर्मल लेटर लिखा जा सकता है सही है ना तो हमने तीन बात आपको बताया कि क्या मतलब जो इनफॉर्मल लेटर है कैसे लिखना है क्या लिखना है और जो है किसको लिखना है राइट तो अब यहाँ पर आपको पता लगा कि इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं क्या एडरेस। तो एड्रेस अगर हम लिखते हैं तो एड्रेस में आपने देखा होगा कि पेपरों में भी अक्सर जो है लेटर लिखते समय दे देता है एड्रेस तो जैसे यहाँ पर आप अगर लोकल हो ग्रामीण ग्रामीणांचल से जुड़े हो गांव से तो वहाँ विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर लिखते हैं उसके नीचे क्या लिखते हैं डेट लिखते हैं फिर उसके बाद आपका आता है सेलूटेशन क्या आता है सेल्यूटेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप जैसे मान लो क्या लिखे मा डियर अब यहाँ पर जैसे मा डियर फादर चूंकि आपका इनफॉर्मल लेटर है तो मा डियर फादर हो सकता है मदर हो सकता है ब्रदर हो सकता है सिस्टर हो सकता है यहाँ तक सन और डाटर भी हो सकता है लेकिन मा डियर प्लस नाम भी लिख सकते हैं राइट आपको देखेंगे कि अगर मदर या फादर को लिख रहे हैं तो सेल्यूटेशन के रूप में आप रिस्पेक्टेड मदर या फादर भी लिख सकते हैं तो ये हमारा सेल्यूटेशन हो गया फिर हमारा सी ग्रेड पे क्या आता है कि अगर आपको लेटर लिखना है कौन सा लेटर इनफॉर्मल लेटर तो यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर्स यानी जो पत्र है उसके शरीर कैसे बनेंगी यानी उसमें कॉन्टेंट क्या क्या लिखेंगी तो बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है कि मिनिमम दो पैराग्राफ कितने छोटे छोटे मिनिमम दो पैराग्राफ अगर बहुत कंटेंट है तो आप तीन पैराग्राफ में पूरे मैसेज को मतलब उसको लिख सकते हैं जिसमें आपका देखिए लिखा है रेफरेंस क्या लिखा रेफरेंस का मतलब आपको इसमें बताना होता है शुरुआती दौर में ही कि आखिर में आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं या किस कारण से लिख रहे हैं जैसे आपने जैसे लिखा कि हाँ अंकल जी हमको गिफ्ट दिए उनको बधाई देने के लिए उन्होंने गिफ्ट हमको दिया तो थैंक यू बोलने के लिए लिख रहे हैं तो अब वहाँ क्या लिखेंगे कि एम ग्लेड टू क्या लिखेंगे एम ग्लेड टू टेल यू अबाउट योर सेंडिंग गिफ्ट आपने जो हमको क्या दिया जो भेजा है मेरा किसका बर्थडे का जो गिफ्ट है उसके लिए जो है आपको थैंक यू और यहाँ पर फिर मैसेज आता है मैसेज में आप अपने घर के लोगों के अंकल के बारे में आंटी के बारे में उनको जो है आप अपनी खुशी का एहसास कराते हैं और उसमें जो है आप क्या करेंगे कि जो भी आपको यहाँ लेटर आएगा तो मैसेज का मतलब हो गया संदेश वास्तव में आप उस लेटर के माध्यम से लेटर पढ़ने वालों को किस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं ओके okay? फिर हमारा आता है ग्रीटिंग्स क्या आता है तो ग्रीटिंग्स क्या है कि लेटर जो हमारा खत्म होने वाला होता है तो हाँ हम उनका अभिवादन करते हैं क्या करते हैं तो ग्रीटिंग्स में क्या लिख सकते हैं कि प्लीज बे मा रिगॉर्ड्स तो रिगॉर्ड्स यहाँ अगर मान लो अपने से बड़े हैं तो आंट हो सकता है आंटी हो सकते हैं ब्रदर या सिस्टर भी हो सकते हैं राइट लेकिन बराबर में है तो क्या लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि प्लीज कन्वे मा लव रिगार्ड्स के बताएं क्या मतलब तो लव लिख सकते हैं या विसेज लिख सकते हैं ये भी तो लिख सकते हैं तो यहां पर हमारा क्या हो गया ग्रीटिंग्स और ग्रीटिंग्स के के लिए और भी चीज़ों को जो है आप लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि ये दो तीन चीज़ें ग्रीटिंग्स में लिख सकते हैं फिर आप देखते हैं कि आपका जो क्या है लेटर जो होता है उसमें क्या होता है क्लोजर ऑफ द लेटर इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्या बोलते हैं यानी कि पत्र का जब समापन हम करते हैं तो समापन के टाइम पे हम यहां पर क्या लिखते हैं बाएं तरफ किधर? कि तरफ? ये दाएं तरफ है ये जो है क्या है? है। क्या बाएं तरफ तो जहां एड्रेस लिखे होते हैं हम पहले उसी के जस्ट नीचे लास्ट में हम क्या करते हैं कि यहां हम जो है सब्सक्रिप्शन के लिए क्या लिखते हैं योस ओविडेंटली दे लिखते हैं कब ऑफिशियल लेटर होता है योर्स सिंसियरली लिखते हैं कब जब मित्र वगैरह हो भाई बहन का आपस में हो अगर योर्स क्या लिखा अफेक्शनेटली लिखते हैं या अफेक्शनेटली योर्स तो इस तरह से जब आप लिखते हैं तो वहां पर क्या होता है वो सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आता है जब आप लिखते हैं योर्स फेथफुल्ली तो योर्स फेथफुल्ली कब लिखा जाता है जब अधिकारी, जब अधिकारी जिसे उम्र में बड़े हों तो उसके लिए तो इसे योर्स सिंसेरली या अफेक्शनेटली लवेंगली ये सब होता है लेकिन अगर किस में पद में बड़े हो, अधिकारी रैंक के हो, तो वहाँ योर्स फेथफुल्ली लिखा जाता है तो इस तरह से आपको पता लगा कि कोई भी इनफॉर्मल लेटर अगर आपको लिखना है तो एड्रेस सल्यूटेशन बॉडी ऑफ द लेटर्स और क्या बॉडी ऑफ लेटर्स में रेफरेंस मैसेज और ग्रीटिंग्स का ध्यान रखते हैं उसके बाद क्या है क्लोजर ऑफ द लेटर जिसको हम क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आपको चार पांच चीज़ें जो बताई गई हैं उसका ध्यान देना होगा तो ये रहा जो है इन्फॉर्मल लेटर अगली वीडियो में आपको जो है चार छः लेटर लिख के जो है यहाँ बोर्ड पर आपको बताएंगे कि कैसे कॉन्टेंट आप लिख सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या पसंद ना भी आया हो लेकिन सीखने में मजा आया हो तो निश्चित रूप से आप ही वीडियो के माध्यम से जो है अगली बार जो आपको पढ़ाएंगे उसे देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अपने दोस्तों में शेयर करें जय हिंद